नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्या है आप लोगों के लिए खास, सुनिए निकट मैम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकट परवीन खान फ्रॉम कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के न्यूली लॉन्च मोबाइल कोर्स में मैंने दो सब्जेक्ट्स डील किए हैं। दो सब्जेक्ट्स मैं इसमें पढ़ा रही हूं, फर्स्ट है हिस्ट्री और दूसरा है पॉलिटिक्स। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अराउंड 30 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और ये पूरे ही प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करते हैं और वो भी बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में। होप आपको प्रीलिम्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटी सेशन ऑफ कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। मैं हूं निकट परवीन खान और आज की इस क्लास में हम संविधान का जो पार्ट टू है, जो पार्ट टू भाग दो है सिटीजनशिप, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक छोटा है बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट में रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्या है और इसके अंदर किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है, वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप जानते ही होंगे 22 भागों में जो भाग दो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता किसे दी जाएगी, कौन नागरिक कहलाएगा, नागरिकता कैसे छीनी जाएगी भारत की, उससे संबंधित चीज़ है। पहले तो ये आप एक लाइन में जान ही लें कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप सब जानते ही होंगे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता नहीं है। इस चीज़ को आगे मैं फिर से दोहराऊंगी नहीं, इसलिए यहीं पर बता दे रही हूँ। भारत के नागरिकता के कॉन्सेप्ट का जो सोल है, जो आत्मा है, वो ये कि भारत में एकल नागरिकता है। ये तो सबसे पहले आप गांठ बांध लें कि यहाँ रहने वाला हर इंसान केवल और केवल केंद्र का नागरिक है, उस राज्य का नहीं जिस राज्य में वो रह रहा है, अनलाइक USA। सो देयर इज सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। और वो जो सिटीजनशिप मिलेगी, इंडिया की सिटीजनशिप, वो किस तरह से मिल सकती है, कौन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, इनके बारे में ही आज का डिस्कशन हमारा है। और ये जो पार्ट है इसमें कुल मिलाकर 5 to 11 तक के आर्टिकल्स हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल्स हैं जो कुछ चीज़ें बताती हैं। पर ये जो 5 से 11 के आर्टिकल्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, उसमें ऐसा है कि जब संविधान इनैक्ट हुआ था इंडिया में, तब कौन नागरिक, उस समय कौन नागरिक कहलाएगा कौन नहीं, उसके बारे में था। कुछ प्रावधान NRIs के बारे में, कुछ प्रावधान संसद की ताकत के बारे में, कुछ प्रावधान जो है नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है उसके बारे में है। और जो मैक्सिमम इसमें प्रावधान आप देखेंगे 5 से 11 में, वो सिर्फ ये बताता है कि जब एनफोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय किन किन को आप सिटीजन कहेंगे, नागरिकता कैसे मिल सकती है, नहीं कौन नागरिक है, ये बताता है 5 से 11। NRIs के बारे में कुछ प्रावधान है, ठीक, नागरिकता कैसे छिन सकती है, और संसद की कुछ शक्ति के बारे में ये पार्ट बताता है। तो इस पार्ट में एक चीज़ मिसिंग थी और वो ये कि नागरिकता कैसे छिन सकती है, उसका थोड़ा तो इंट्रोडक्शन है, पर नागरिकता कैसे मिल सकती है उन लोगों को जो बाद में भारत में आए। कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के टाइम कौन नागरिक कहलाएगा वो तो ठीक है, पर बाद में जो इंडिया में आए या बाद में जो इंडिया में पैदा हुए, उनसे रिलेटेड नागरिकता के प्रावधान मिसिंग हैं इस पार्ट में, जिसके लिए 1955 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम पारित हुआ जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। तो इस पार्ट को ही बस पढ़ने का मकसद नहीं, एक्चुअली हम नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान पढ़ना चाहते हैं। तो हम ना सिर्फ 5 से 11 की चीज़ों को देखेंगे बल्कि इस अधिनियम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे, जिसमें ये हाईलाइट किया गया है कि कैसे कोई इंसान भारत की नागरिकता ले सकता है, हासिल कर सकता है, और दूसरे और प्रावधान कि उसकी नागरिकता कैसे छिन सकती है, जो कि इस पार्ट में मेंशन नहीं है। ठीक, तो आज हम एक्चुअली ये पार्ट टू का 5 टू 11 आर्टिकल्स और सिटीजनशिप एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे। याद रहे कि ये एक्ट आया था सन 1955 में, जिसे 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधित भी किया गया है। ठीक, 2016 में एक बिल आया था लेकिन वो संशोधित नहीं हुआ है, 2016 का अभी बिल पेंडिंग है। ठीक, तो 86, 92, 2003, 5 और 15 में ओरिजिनल आपका जो ड्राफ्ट था 55 के एक्ट का, उसे चेंज किया गया है। तो अब की क्लास हम सीधा इन चीज़ों पर ही डील करेंगे। पहले आर्टिकल 5 टू 11 पढ़ेंगे और उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955।
5. So let us first start with the original articles written in the constitution and their explanations. So सबसे पहले देखिए article 5 जो है वो लिखता है citizenship at the commencement of constitution, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता. अनुच्छेद 5 बताता है कि जब संविधान एनफोर्स किया गया इंडिया में, जब प्रारंभ किया गया इंडिया में, तब उस समय कौन कौन नागरिक कहलाएगा. आपको शुरुआत में ही एक चीज़ कही थी मैंने कि 26 नवंबर सन 1949 को जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान अस्तित्व में आ गए थे. एनफोर्स हुआ भले 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान, लेकिन नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो 1949 में ही एनफोर्स हो गए थे. जैसे ही इनैक्ट हुआ हमारा ना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को, तो ये लागू हो गए थे. कुछ ऐसे प्रावधान थे, हमने पढ़ा था एक लेक्चर में कि कुछ ऐसे प्रावधान थे कि 1949 में एनफोर्स हो गए थे, उनमें से ये नागरिकता के भी प्रावधान हैं. तो अनुच्छेद 5 ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, मतलब जब ये आर्टिकल एनफोर्स हुए, तब की स्थिति में कौन कौन भारत का नागरिक है. ठीक, तो इसमें तीन चीज़ें कही हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, गौर से सुनना क्या कह रही मैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भारत का उस समय मूल निवासी है, यानी कि डोमिसाइल है, कोई डोमिसाइल्ड एट इंडिया, भारत का उस समय का मूल निवासी है, और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यानी वहाँ रहता है, मूल निवासी है वहाँ का, और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है जिसमें से पहली शर्त है बर्थ, यदि उसका जन्म वहाँ हुआ है और वो रह रहा है, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म वहाँ पर हुआ है और वो यहाँ रह रहा है, या फिर जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो ये कि अगर वो बर्थ या पेरेंट्स वाला कॉन्सेप्ट के तहत नहीं आता तो वो 5 ईयर्स तक, संविधान लागू होने के 5 साल पहले से उस देश में, यानी हमारे देश में रह रहा हो. ना समझ में आए तो फिर से दोहराती हूँ, अनुच्छेद 5 ये बताता है कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय किसे नागरिक माना जाएगा. ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और रह रहा हो, देखो पहले तो मूल निवासी, जो भारत में उस समय मौजूद, एनआरआई वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय मूल निवासी के तौर पर वहाँ डोमिसाइल्ड है, रेसिडेंट नहीं है, डोमिसाइल्ड है, और तीनों में से क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि डोमिसाइल्ड है और वो उसका जन्म ही वहाँ पे हुआ. अगर ऐसा नहीं है कि उसका जन्म वहाँ पे हो तो कम से कम उसके माता या पिता में से किसी एक का, दोनों में से किसी एक का भी चलेगा, जन्म भारत में हुआ है. या फिर अगर ये दोनों ही नहीं तो ऐसा कोई डोमिसाइल्ड व्यक्ति जो संविधान लागू होने के 5 साल पहले से एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी एक रहवासी रहा है भारत का, तो उसे भी आप भारत का नागरिक कंसिडर करेंगे. गॉट इट और नॉट, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. इसमें ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया का नेशनैलिटी लॉ होता है, जो भारत का लॉ है राष्ट्रीयता का, वो एक चीज़ को बल देता है जिसे हम कहते हैं जस सेंग्विनिस एज अगेंस्ट जस सोली. ये लैटिन वर्ड्स हैं, आप जानते होंगे कि संवैधानिक भाषाओं में कई बार एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ लैटिन वर्ड्स का एज इट इज इस्तेमाल किया जाता है, क्या ताकि ग्लोबली इन चीज़ों को समझा जा सके. तो इंडियन नेशनलिटी लॉ कहता है कि इंडिया में जस सेंग्विनिस है, यानी द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द राइट ऑफ ब्लड रादर देन द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द राइट ऑफ बर्थ इन दैट टेरिटरी. इसका आसान भाषा में अगर मैं मतलब समझाऊं तो भारत का जो राष्ट्रीयता कानून है वो ये कहता है कि भारत के नागरिक केवल अगर आप इस देश के अंदर जन्मे हैं तभी नहीं कहलाएंगे. आपके माता या पिता या आपकी पुश्तों में से कोई यहाँ पर है तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा. ठीक है, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी जो ब्लड आपका है, लीनियज आपकी है, उसके तहत भी आप यहाँ के नागरिक कहला सकते हैं. सिर्फ ये कंसिडर नहीं होगा कि आप यहाँ के बर्थ लिए हुए इंसान हैं. कहने का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर आपका बर्थ है तो उनको तो ठीक है, आपका नागरिकता मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है और आप लीनियज से हैं, जो सेकेंड पॉइंट नहीं है इस चीज़ को बताता है, जो सेकेंड पॉइंट आपका है कि लीनियज अगर है, मतलब बाय ब्लड भी अगर आप इंडियन हो, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनमें से कोई इंडियन था, तो भी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे. तो याद रखिएगा जस सेंग्विनिस मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द राइट ऑफ ब्लड.
और जस्ट सोली का मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द राइट ऑफ बर्थ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ जस्ट सोली नहीं फॉलो होता, हमारे यहाँ लीनियज वाला कंसेप्ट यानी जस्ट सैंग्विनस फॉलो होता है, जैसे कि आपके सेकेंड पॉइंट से इंडिकेट होता है। पैदा नहीं हुए लेकिन माँ बाप में से कोई पैदा हुआ है तो भी आप कहलाएंगे। याद ये रखना कि अभी हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है संविधान जब अस्तित्व में आया उस समय के लोगों की नागरिकता डिसाइड करने के लिए। दैट इज इट, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू नो फॉर आर्टिकल 5। लेट अस नाउ मूव ऑन टू आर्टिकल 6। नेक्स्ट इज आर्टिकल 6, जिसमें लिखा हुआ है देर आर सर्टन राइट्स। जो आर्टिकल 6 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है, पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने वाले जो लोग हैं उनके राइट्स अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने वाले, तो मैंने आपको कहा था कि दरअसल 5 से 11 में कौन नागरिक है इसका प्रावधान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग संविधान एनफोर्स करते समय थे, अभी हमारे लिए नहीं, उस समय की बात है ये। तो ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है कि विभाजन हुआ था ये हम सभी जानते हैं, तो इस तहत कई लोगों ने पाकिस्तान माइग्रेशन किया था, कई इंडियंस पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो हमने जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे माइग्रेंट्स उनको नागरिकता का दर्जा अनुच्छेद 6 के तहत दिया है, ठीक है, कि विभाजन के बाद जितने भी लोग माइग्रेट करके इंडिया आ गए पाकिस्तान से वो इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए वो यहाँ के नागरिक तब कहलाएंगे जब, अब यहाँ पे क्लॉजेज आते हैं, तब कहलाएंगे जब या तो उनका बर्थ इंडिया में हुआ हो या उनके पेरेंट्स में से किसी का बर्थ इंडिया में हुआ हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का बर्थ इंडिया में हुआ हो। यानी वो इंसान जो माइग्रेट किया पाकिस्तान से इंडिया, या तो वो इंडिया में, मतलब उस टाइम तो पाकिस्तान में इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया की जो टेरिटरी थी है ना, अनडिवाइडेड इंडिया में जो हमारा हिस्सा था वहाँ भी यदि उनका जन्म हुआ है तो वो इंडिया के नागरिक कहलाएंगे माइग्रेशन के बाद, या फिर उनके माँ बाप में से किसी का अनडिवाइडेड इंडिया में से जन्म हुआ था तो भी कहलाएंगे, या इवन ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप समझ सक रहे होंगे कि सिर्फ बर्थ वाला यानी जस्ट सोली नहीं, जस्ट सैंग्विनस वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी चल रहा है कि आप या आपके एंसेस्टर्स में से किसी का भी जन्म हुआ हो, 3 पीढ़ी देखी जा रही है, तो आप अगर माइग्रेट करके आए हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो उसको बाइफरकेट करती हैं। ये चीज़ तो एसेंशियल है कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। और एक और चीज़ है, एक डेट डिसाइड की गई 19 जुलाई 1948, 19th of July 1948 से पहले अगर आप माइग्रेट किए हैं, ठीक है, तो आप सीधे सीधे इंडिया के नागरिक बन जाएंगे अगर आप माइग्रेशन से अभी तक इंडिया में रह रहे हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले, ये कंडीशन में तो कोई आपको फुलफिल करना ही है तो कंपलसरी है, ठीक है। आप भारत माइग्रेट किए पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए तो आपको नागरिकता कब मिलेगी, या तो आपका जन्म, या तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म इंडिया में हो, और माइग्रेशन आपका इस डेट से पहले हुआ है और तब से लेकर अब तक एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक, तब तक आप वहाँ के रहवासी हैं ना, रेसिडेंट हैं, तो आप सिटीजन कहला लेंगे। और इस पर्टिकुलर डेट के बाद अगर आप माइग्रेट करे हो, कई लोग होंगे जो इससे पहले आए तो वो तो अगर अभी तक रह रहे हैं तो वो सीधा सीधा माइग्रेशन के तहत भारत के नागरिक कहलाएंगे अगर उन तीनों में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल करते। इस डेट के बाद अगर आए आप तो कम से कम 6 महीने आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, और 6 महीने के क्राइटेरिया पूरा होने पर ही आपको यहाँ का नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डेट का क्या मैटर है। एक्चुअली 19 जुलाई 1948 को माइग्रेशन के परमिट लॉज जारी हुए थे। परमिट लॉज का मतलब उसके पहले जितने लोग आए और इंडिया में रह रहे हैं उनको तो सीधा सीधा नागरिक बोल दिया गया अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है।
लेकिन 19 जुलाई 1948 को परमिट लॉज इंडिया में बनाए गए थे, तो उसके बाद आने वाले जितने लोग हैं उनके ऊपर ये 6 महीने वाला क्राइटेरिया लागू हो गया था कि अगर आप इसके बाद माइग्रेट किए हो तो भले ही इनमें से कोई क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हो 3 में से, लेकिन जब तक आप 6 महीने यहाँ नहीं रहे हो तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते सिटीजनशिप के लिए। तो वो जो आपका परमिट है माइग्रेशन परमिट, वो इस डेट को जारी हुआ था, इस वजह से ये डेट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 6 में। समझ आया कि नहीं? दोहराऊं, अलग तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आने वालों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, और ये कहा गया कि विभाजन के बाद जो लोग जिनका जन्म भारत में हुआ था, जिनके माँ बाप में से किसी का जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी का जन्म भारत में हुआ था और वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आए तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन अगर उनका माइग्रेशन इससे पहले हुआ, इस डेट से पहले, तो एनफोर्समेंट तक अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो नागरिक कहलाएंगे, और अगर इसके बाद हुआ है तो कम से कम 6 महीने आप यहाँ रहे हो लगातार, तब आप एक अप्लाई करोगे सिटीजनशिप के लिए, तब आप नागरिक कहलाओ। Got it or not? ठीक है, दैट इज ऑल आर्टिकल 6 tells, जो कि माइग्रेंट्स के बारे में नागरिकता का प्रावधान बताता है, उस समय का भी कानून। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 7 में। तो आर्टिकल 7 में कुछ प्रावधान जो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने की पॉइंट लिखा, बेयर एक्ट में इसका पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसे कि आपने 6 में ये देखा था कि उन लोगों के लिए प्रावधान थे जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए, यहाँ पर उन लोगों के लिए प्रावधान है जो इंडिया से विभाजन के बाद माइग्रेट किए पाकिस्तान और फिर वापस इंडिया लौट कर आए। आप जानते ही होंगे कि आज़ादी के बाद जब अनरेस्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, विभाजन के बाद जो जब माइग्रेशन हुआ था, तो कई लोगों को फोर्सफुली अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा था। कई ऐसे पाकिस्तान से इंडिया गए थे, इंडिया से पाकिस्तान, ना चाहते हुए भी, और लेटर ऑन धीरे धीरे साल, 2 साल 3 साल के बाद वो लोग वापस अपने देश आने लगे। अब अपना देश वाली जो चीज़ थी वो तो उस टाइम था कि जो जहाँ बस गया उस समय जिसको हक मिल गया रहने का वो सिटीजनशिप के तहत आ गया। बताने का मकसद ये है कि कई लोग ऐसे थे जो इंडिया से मजबूरी में पाकिस्तान गए थे और बाद में वो लौट कर आए। ठीक, तो उन लोगों के लिए 6 किस बारे में था, जो पाकिस्तान में ही रह रहे थे और विभाजन के बाद इंडिया में आ गए, और 7 किस बारे में है, जो इंडिया में रह रहे थे, विभाजन के बाद पाकिस्तान गए और वहाँ से रिटर्न होके इंडिया आए, उनके लिए आर्टिकल 7 है। और आर्टिकल 7 ये कहता है कि वो लोग सारे नागरिक कहलाएंगे जो पाकिस्तान से रिटर्न होकर इंडिया आए हैं, और कंडीशन होगी वही 6 महीने वाली जो आपको बताया था ना मैंने, कि भाई जो माइग्रेशन परमिट है उसमें कंडीशन डाल दी गई थी कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप 6 महीने तक अगर रह रहे हो तो उसके बाद अप्लाई करके, रजिस्ट्रेशन करके इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो। तो यही कंडीशन इन लोगों पर भी लागू होती है कि आप विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, लेटर ऑन 1-2 साल 3 साल के बाद आप वापस आए, तो यहाँ आने के बाद कम से कम 6 महीने अगर आप इंडिया में रहेंगे तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो वो लोग जो 6 महीने रिटर्न होने के बाद रहे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये 2 डेट्स याद रखें, 1 मार्च 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950। ठीक, अब जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले आ गए वो तो थे ही इंडिया के, ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले जो आ गए वो तो इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे, और कुछ लोग ऐसे थे जो चले गए और 1 मार्च 1947 के बाद आए। यानी वो लोग कब आए इंडिया में, पाकिस्तान से इंडिया कब माइग्रेट किया उन्होंने, पाकिस्तान से इंडिया का जो माइग्रेशन था वो इस टाइम के बीच में था। ये वाले बाद में बताऊंगी मैं। अगर कोई लोग इस डेट से पहले हैं इंडिया में, ठीक, तब तो वो इंडिया के सिटीजन से कहलाएंगे, पर अगर वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया लौटे 1 मार्च 1947 के बाद, तो इंडिया लौटने के बाद 6 महीने इंडिया में रहेंगे तो इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। ठीक, पर ये लौटने वाले लोगों को इस कंडीशन पे, आर्टिकल 7 पे भारत की नागरिकता इस डेट तक के माइग्रेंट्स को ही मिलेगी। मतलब अगर आप 47 के बाद से लेकर 26 जनवरी 1950 के पहले तक आए हो, वो पाकिस्तान से इंडिया रिटर्न लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद आए हो इंडिया में पाकिस्तान से, या 26 जनवरी 1950 से पहले आए हो इंडिया में पाकिस्तान से, तो आर्टिकल 7 के तहत उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये वाली डेट इसलिए रख दी गई यहाँ पे, ये 7 में मेंशन नहीं है, लेटर ऑन जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया तो वो इस डेट को मेंशन करता है,
कि इसके बाद के जो लोग हैं वो उनका जो नागरिकता का प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तय होगा। उन लोगों ने ये वाला एक कट ऑफ डेट रखी थी, ठीक है। तो आर्टिकल 7 तो सिर्फ बोलता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग यहाँ से वहाँ गए और फिर वापस इंडिया आ गए, 6 महीने रहेंगे तो नागरिक हो जाएंगे। लेकिन बाद में सिटीजनशिप एक्ट में ये वाली भी आपकी सेकेंड डेट लगा दी कि भाई इसके बाद के जो आए हैं पाकिस्तान से 1950 के बाद जो रिटर्न हुए उनकी नागरिकता का जो डिसीजन है वो नागरिकता अधिनियम के तहत होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो 7 के तहत इसके बीच के लोगों की नागरिकता का प्रावधान है, उनके अधिकारों के बारे में बात हो रही है। आ रही बात समझ में? इसके बाद आए हों या इससे पहले आए हों, 6 महीने रहे हों तो भारत के नागरिक होंगे अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। क्लियर विद दैट? डेट्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। दिमाग में एक टू और फ्रॉम दिमाग में डाल लीजिए, एक खांचा एक स्केलेटन डाल लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। सो लेट अस मूव ऑन टू आर्टिकल 8। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 8, जिसमें लिखा गया है राइट्स ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो NRIs हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनको जो नागरिकता दी जाती है उसके बारे में है आर्टिकल 8, ठीक। जिस भी देश में भारत के मूल के लोग रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है अगर वो कूटनीतिक तरीके से या पार्षद प्रतिनिधि के जरिए उस देश में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मतलब उस देश में हमारी जो एम्बेसी होगी जहाँ वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स होंगे या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के, उनके पास यदि भारत के मूल के लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फॉर इंडियन सिटीजनशिप तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझें कि NRIs जिनके पास इंडिया के लिए कुछ राइट्स होते हैं उनको सिटीजनशिप आर्टिकल 8 के तहत मिलती है। उसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी हैं कि या तो उनका खुद का जन्म भारत में होना चाहिए, या फिर उनके पेरेंट्स में से किसी का जन्म भारत में होना चाहिए, या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म, मतलब मैं जो बार बार जस्ट सैंग्विनिस की बात कर रही हूँ, सिटीजनशिप राइट बाय द राइट ऑफ ब्लड, लीनिएज वाली जो चीज़ है उसके तहत है कि अगर यदि आप भारत के मूल के हैं, आपका लीनिएज कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल ओरिजिन भारत में है और आप किसी और देश में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, वहाँ रह रहे हैं, तब आप भारत के नागरिक कहला सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि वहाँ का जो डिप्लोमेट है इंडिया के, जैसे आप मान लीजिए कि ब्रिटेन में रह रहे हैं तो वहाँ पे इंडिया की एम्बेसीज होगी ब्रिटेन में, इंडिया की एम्बेसी में इंडिया के डिप्लोमेट्स होंगे, इंडिया के काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब कूटनीतिज्ञ होंगे, पार्षद प्रतिनिधि होंगे। तो अगर आप ब्रिटेन में रह रहे हैं और आपको आर्टिकल 8 के तहत सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उस समय जो भी लॉ उनके लिए उस देश के लिए वैलिड होगा उस हिसाब से वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और तब आप NRI का राइट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आती हैं जहाँ पे लोगों को ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या NRIs, इनमें फ़र्क नहीं समझ में आता, उसमें हम बाद में आएंगे वंस वील डील विद द सिटीजनशिप एक्ट। आप कुल मिला के मान के चलिए भारतीय मूल के विदेशी लोग जो दूसरी जगह रह रहे हैं उनको नागरिकता आर्टिकल 8 के तहत दी जाती है। क्लियर? ठीक, आर्टिकल 9 में मूव करते हैं अब। तो आर्टिकल 9 जो है वो ये बताता है कि नागरिकता कैसे आपकी छिन सकती है। एक ही प्रावधान है, बाकी के जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में है। देखिए अब तक आपने जो पढ़ा 5 से लेकर 8 तक, वो संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक कहलाएगा उससे संबंधित था। आर्टिकल 9 जो है ये बताता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे छिन सकती है, सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, और उसमें लिखा हुआ है persons voluntarily acquiring citizenship of other country will not be citizens of India. विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आप ये चीज़ को पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। डुअल सिटीजनशिप से यहाँ मेरा मतलब इंडिया और स्टेट की नहीं, दो कंट्रीज़ की सिटीजनशिप से है। यदि आप भारत के नागरिक थे तो आप केवल भारत के नागरिक ही होंगे। अगर आप किसी और देश के नागरिक बन जाते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इफ़ यू वॉलेंटरी अक्वायर, भारत की नागरिकता आपके पास है और आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इस केस में भारत और उस देश की दोनों की नागरिकता हो जाएगी, जो कि वर्जित है भारत में, डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। जैसे ही आप अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं ऑटोमेटिकली आपकी भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी।
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, डुअल सिटीजनशिप के कुछ और एक्सेप्शंस हैं और कुछ अधिनियम है उसमें भी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ को और एलोबरेट किया गया है इंडिया के पासपोर्ट एक्ट में भी, आर्टिकल 9 के तहत ही पासपोर्ट एक्ट में ये चीज़ डाली गई है कि अगर आप जो है किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, आर्टिकल 9 के तहत ही डाली गई पासपोर्ट एक्ट में कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको जो पासपोर्ट है और इंडिया का जो वोटर आईडी है वो सबमिट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। ये दो चीज़ भारत की नागरिकता जैसे आपकी छीन ली जाएगी तो आप ये दो चीज़ नहीं रख सकते। तो याद रखना आर्टिकल 9 का एप्लीकेशन पासपोर्ट एक्ट में दिखता है कि जैसे आप किसी और देश की नागरिकता हासिल कर लेते हैं आपको जो पासपोर्ट है वो सबमिट करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडिया का जो वोटर आई डी कार्ड आपको दिया है वो सबमिट करना पड़ेगा, और आर्टिकल 9 के तहत आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो इसी पासपोर्ट एक्ट के तहत ही और आर्टिकल 9 के एलोबोरेशन के तहत ही एक और एक्सेप्शन जो है वो दिखने को आता है, पढ़ने में आता है। दो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में, एक्सेप्शन बता रही हूँ, अपवाद है ना, कि ऐसे दो केसेस हैं इंपॉर्टेंट जिसमें डुअल सिटीजनशिप अलाउड है फिलहाल। ठीक, पहला ये कि अगर आप किसी फॉरेन डिप्लोमेट के बच्चे हैं, मतलब मैं सिर्फ बच्चों के लिए बता रही हूँ, चिल्ड्रन, दो ऐसे प्रावधान हैं जो बच्चों के लिए, यदि कोई बच्चा किसी विदेशी कूटनीतिज्ञ का जो फिलहाल भारत में सर्विस में है उसका है, यूएस का कोई डिप्लोमेट है इंडिया में, ब्रिटेन का कोई डिप्लोमेट है इंडिया में, यहाँ पे कई साल रह रहा है एज अ फॉरेन ऑफिशियल, ठीक, अगर उनके कोई बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो बाय बर्थ इंडिया के नागरिक कहलाएंगे, इंडिया में आपका जन्म हुआ, था ये प्रावधान कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ, पर भारत में जन्म हुआ पर वो हैं कौन, वो बच्चे किनके हैं, फॉरेन डिप्लोमेट जो इंडिया के इंडिया में अपने एम्बेसीज में है ना, वो कूटनीतिज्ञ जो विदेशी हैं और इंडिया में अपने सर्विस पीरियड में, उनके घर यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक, तो वो बाय बर्थ वाले कॉन्सेप्ट से वो बच्चा इंडियन कहलाएगा, और क्योंकि ओरिजिनली वो किसी और देश का है तो उस देश का भी कहलाएगा, तो ऐसे टाइम में वो दोहरे नागरिकता उसे मिल सकती है, ठीक है, और उसे इंडिया की सिटीजनशिप पैरेलली तब तक दी जाएगी जब तक उनके माँ बाप की सर्विस पीरियड इंडिया में रहेगी। ध्यान में रखना, हमेशा के लिए नहीं बन जाएगा वो इंडिया का सिटीजन, तब तक वो इंडिया का सिटीजन पैरेलली वहाँ का तो रहेगा ना, जहाँ का वो है, उसके माँ बाप जिस देश के ऑफिसर्स हैं जो इंडिया में आए हैं उस देश का तो वो नागरिक रहेगा ही वहाँ के प्रावधानों के अनुसार, और वो इंडिया का भी नागरिक रहेगा जब तक उनके माँ बाप जो भी हैं उनका सर्विस पीरियड इंडिया में है, तो उतने टाइम तक उस बच्चे को डुअल सिटीजनशिप इंजॉय करने मिलेगा। क्लियर है, सर्विस पीरियड तक डुअल सिटीजनशिप। और दूसरा, यही चीज़ अगर हमारे साथ होती है, कहने का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ ऑफिसर्स की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन ओरिजिन का कोई इंसान कहीं और का सिटीजन है, ठीक, और वो उसका कोई बच्चा होता है, कहने का मतलब उसके जो चिल्ड्रन हैं उनकी बर्थ के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपके माँ बाप में से कोई हैं इंडिया के तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है, तो उसके बर्थ के बाद से लेकर उसे पासपोर्ट मिलने तक वो इंडिया का भी नागरिक कहलाएगा। देखो, पासपोर्ट एक्ट जो है, तो पासपोर्ट मिल जाता है इसका मतलब आप उस देश के नागरिक हो गए, ठीक है, तो इंडिया का मूल निवासी कोई इंसान है उसका वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो बच्चा है उसके पास उस देश की नागरिकता तो रहेगी, साथ ही साथ वो इंडिया का भी नागरिक कहलाएगा अनलेस एंड अंटिल उसको उस देश का पासपोर्ट मिल जाता है। जैसे पासपोर्ट उसको मिल जाएगा इंडिया की नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो यही ऐसे दो केसेस हैं जब आपके एक्सेप्शन होते हैं, बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए ही है कुछ समय तक कि उनको डुअल सिटीजनशिप मिलती है वरना नहीं मिलती, और भी कुछ डिटेल आपके एक्सेप्शन हैं जिस पर आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर विद दैट? सो दैट इज़ ऑल विद आर्टिकल 9। अब देखिए, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, उसे हम सिर्फ ऐसे ही बता देते हैं। आर्टिकल 10 आप बेयर्स एक्ट से पढ़ लेंगे, लिखा यह गया है कि जब तक के किसी लॉ के ज़रिए, किसी कानून के ज़रिए आपकी सिटीजनशिप छीनी नहीं जाती, तब तक के यू विल कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब, कोई एक्ट आ जाता है और आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जैसे NRC वाली चीज़ जो अभी चल रही है, समझ में आ रहा है? अब तक तो वो लोग भारत के नागरिक थे, लेकिन मान लीजिए कोई इनएक्टमेंट हो जाता है, सिटीजनशिप बिल में कोई चेंज हो जाता है, कोई सेम अमेंडमेंट 2016 में एक अमेंडमेंट हो रहा था, 2019 में आपने सुना होगा इस बारे में, तो अगर कोई ऐसा चेंज आ जाता है, जब तक कि कोई कानून नहीं बनता तब तक तो आप भारत के नागरिक हो, लेकिन अगर कोई कानून बन जाता है
और कोई उसमें ऐसा प्रावधान आता है जिसके खिलाफ आपका क्लेम है इंडिया का सिटीजनशिप का, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। मतलब कुल मिला के आर्टिकल 10 ये बता देता है कि भाई संसद जो है वो जब कोई लॉ बनाएगी तब हो सकता है कि आपकी नागरिकता छिन जाए, लेकिन तब तक जब तक कोई लॉ के तहत ऐसा नहीं होता तब तक आपको इंडिया में सिटीजन के सारे राइट्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में कि जो NRC वाला इशू है वो कहीं ना कहीं उसका जो रूट्स हैं वो आर्टिकल 10 से ही हैं कि यू विल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस एंड अंटिल एनी लॉ रिलेटेड टू योर सिटीजनशिप और नॉन सिटीजनशिप इज पास्ड। ठीक है, तो डर यही है कि मान लीजिए पार्लियामेंट को ऐसा कानून बना देती है NRC के रिलीज के बाद तो सिटीजनशिप खतरे में आ सकती है, वरना तब तक वो इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्टिमिस्टिक आपका पेसिमिस्टिक दोनों पॉइंट है इसमें, क्लियर विद दैट, इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, इतनी चीज़ याद रखी। यू विल कंटिन्यू अनलेस एनी लॉ इज पास। ठीक, अब आता है आर्टिकल 11, वो भी बहुत ईजी है। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट की पावर को एम्फसाइज किया गया है, यहाँ पर मेनली संसद की उस शक्ति को बताया गया है जिसमें ये कहा गया कि संसद के पास ही नागरिकता से संबंधित कोई भी चेंज करने का अधिकार है। यहाँ पार्लियामेंट्री पावर की बात की है कि सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंज करना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, या कोई भी ऐसा प्रावधान जो जोड़ना है घटाना है, आप भारत के नागरिक किस तहत रहेंगे किस तहत नहीं रहेंगे, कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी, जो वर्तमान में अगर उसमें कुछ भी एक शब्द भी बदलना है तो इसका पूरा पूरा अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, किसी और अथॉरिटी के पास नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं, ठीक, प्रेसिडेंट के पास नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं, किसी के पास नहीं। पार्लियामेंट लॉ पास करके डिसाइड करेगी कि सिटीजनशिप के एक्ट के तहत कौन भारत का नागरिक रहेगा कौन नहीं रहेगा, अमेंडमेंट भी वही कर सकती है। तो यहां पर जो फोकस है वो पार्लियामेंट का, आपको लगेगा 10-11 तो सेम लग रहा है, 10-11 में डिफरेंस इतना है, उसमें भी बोला गया कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं पास करती आप इंडिया के नागरिक रहोगे, यहां पे बोला गया कि पार्लियामेंट आपके सिटीजनशिप की क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन ले सकती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि 10 में जो जोर डाला गया, जो एम्फसाइज किया गया, वो ये कहा गया कि जब तक कुछ होता नहीं, यहाँ संसद को एम्फसाइज नहीं किया गया, संसद शब्द से ज़्यादा फोकस आर्टिकल 10 में था, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कुछ नहीं हो जाता। ठीक, और 11 में है संसद के ऊपर बल दिया गया कि संसद के पास भाई वो अधिकार होता है कि वो आपकी नागरिकता रहेगी या नहीं रहेगी इसके ऊपर कोई निर्णय ले सकता है, प्रावधानों को चेंज करना भी केवल और केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। गॉट इट, इतनी ही चीज़ें आपको 5 to 11 के बीच में जाननी थी। आपको शुरुआत में ही बताया मैंने कि ये वाला जो भाग है सिर्फ नागरिकता उस समय जब संविधान लागू हुआ था तब नागरिकता किसके पास है, कैसे नागरिकता छीन सकती है, NRIs किससे रिलेटेड है और पार्लियामेंट्री पावर से रिलेटेड है, लेकिन उसके बाद जितने लोग इंडिया में आ रहे हैं या रह रहे हैं अलग अलग डेट टाइम या डिकेड्स में उनको कैसे नागरिकता मिल सकती है और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिनसे नागरिकता छीनी जा सकती है, इसकी डिटेल 5 से 11 में नहीं मिलती और वो आपको मिलेगी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ इसी को डील कर रहे हैं आर्टिकल्स को, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया PIO और अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। गॉट इट, सो आज का जो लेक्चर था इट वॉज ओनली रिलेटेड टू द आर्टिक्यूलर पार्ट ऑफ Part 2 सिटीजनशिप, भाग 2 नागरिकता से संबंधित जितने अनुच्छेद है केवल और केवल उन पर डिस्कशन था। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कहीं डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू सो मच। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेव कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें।